रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। रमजान महीने के लिए सरकारी आदेश पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रमजान महीने के लिए सरकारी आदेश पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है बीजेपी ने। बता दें आपको, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान सामने आया है। संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम कर्मियों को विशेष सुविधा और हिंदुओं के त्योहार में आखिर सरकार कोई निर्णय क्यों नहीं लेती है, उनका यह कहना है। उनका यह बयान सामने आया है। रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को छूट मिली है, एक घंटा पहले कार्यालय आने और एक घंटा पहले जाने की छूट दी है नीतीश सरकार ने। और नीतीश सरकार के इस फैसले को बीजेपी ने गलत बताया है। तुष्टीकरण करने का आरोप लगा है नीतीश सरकार पर। रमजान के समय एक घंटा पहले मुस्लिम कर्मी आएंगे और एक घंटा पहले जाएंगे, यह मैं शुरू से कहता था। जो यह सरकार बनी है, यह पीएफआई के जो जदयू के सरकारी अफसर हैं और राजद में जो पीएफआई के जदयू राजद के कार्यकर्ता उनकी गठजोड़ की सरकार है। पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में भी जो कभी नहीं होता था, ये अलग से नियम करना, इस तरह से किसी जाति विशेष के लिए अलग से छूट देना बिहार को, और ये जो पीएफआई का एजेंडा है कि 2047 में इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, इसके लिए बिहार सरकार कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करती है। नीतीश कुमार जी ने कभी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांटा है या उनका नजरिया भी नहीं बदला है। हर जाति और धर्म के लोगों के पर्व के हिसाब से उनको सहूलियत दी जाती है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि भाजपा को यह बात नागवार गुजरती है, क्योंकि उनके मन के अंदर किसी खास समुदाय को लेकर द्वेष है और इसी का फायदा वो राजनीति में लेना चाहते हैं। हमेशा इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से होती है। तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण, घृणा, ये सारे शब्द तो बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा से निकले हुए शब्द हैं। ये तो आरएसएस और बीजेपी के राजनीतिक एजेंडा के मूल मंत्र हैं। आज रमजान के महीने में एक घंटे की छुट्टी जब दी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी को इस पे हाय तौबा आ रही है, पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदू के पर्व भी जब आते हैं तो बिहार की महागठबंधन सरकार उस पर्व को ठीक तरीके से करने की सारी सुविधाएं अपने नागरिकों को देती है।